पर मेरा बेटा बबलू सिंह कोठी में अपना टहल रहा था। टहलने के बाद उधर से जब आया तो देखा कि सीआईटी वाला एक लड़की को लेकर के कोठी के भीतर में नीचे में जो रखे हुए हैं, इस पर मेरा बेटा बबलू सिंह विरोध किया, इसको क्यों घुसाए हो, जल्दी निकालो इसको बाहर, जल्दी निकालो इसको, उसको खींच के निकाल रहा था सीआईटी वाला, उसको बहुत मार मारे। जब हम हमारे बेटा राजू देखे खिड़की से तो चिल्लाए क्यों मार रहे हो हमारे बेटा को, हम थाना को फोन करते हैं, तब इधर से भाग गया। उसके बाद बबलू को पता नहीं कहाँ लेकर के घींच करके ले गया, हम चारों तरफ ढूंढने नहीं मिला। उसके बाद में बबलू को 12 बजे रात को हॉस्पिटल के गेट पर बोला उसका गार्ड की छोड़ दिया है, और वहाँ का ना डॉक्टर हमको सूचना दिया, ना स्थानीय प्रशासन सूचना दिया। हम देखे हैं हमको मारा है मेरा बेटा, किसके पहले भी सीआईटी वाला मारा था और वहाँ का गार्ड मारा था, सीआईटी वाला मार के हाथ तोड़ दिया था, FIR किए थाना में, तो थाना प्रभारी कह रहे जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम क्या कर लोगे, यहाँ दारू बेचवाते हैं क्या कर लोगे। कहाँ का थाना प्रभारी कह रहे हैं? जगदीशपुर का थाना प्रभारी DSP, ये सब लिखित आवेदन है DM के पास, मुख्यमंत्री के पास, RKC के पास, डिस्ट्रिक्ट जज, जिले DM के पास, सब लिख। उनके द्वारा उनको इतना मारा गया और उनको गुप्तांग में भी मतलब इस तरह से मारा गया है कि उसको अभी तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, अभी तो सुनने में है जो बात है। उनको इतना मारा गया कि वो उस मार से मौत के घाट कब मालूम चले गया आप लोग को कब मालूम? देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह के परपोता को पुलिस के हिरासत में मार पीट कर करके हत्या कर दिया गया। बिहार सरकार का ये हाल है कि सुशासन बाबू के राज में ना तो मुख्यमंत्री